जब मैं पाप में चलता था, मैं आपको न्याणे वाली गल सी उदो मेरी ये वाली कह सकता, प्रभु ने यही किया कि बच्चे बन के मेरे को आओ। मैं सोचता था मैं पवित्रता में खड़ा हो जाऊं। आज मैं क्यों इस्तेमाल हो रहा हूं, मैं एक सीक्रेट बताता हूं। मैं सोचता था कि मैं पवित्रता में खड़ा हो जाऊं, जो मैं बार बार पाप में गिरता था मसीह में आने के बाद भी, और खड़े होने की कोशिश कर रहा था। अरे गिरना प्रॉब्लम नहीं है, जो गिर के गिरा रहता है यह प्रॉब्लम है। अगर गिर के उठ रहे हो, फिर गिर के उठ रहे, बार बार उठने की कोशिश कर रहे हो, भूख प्यास लेकर आ रहे हो प्रभु के पास, एक दिन आप खड़े हो जाओगे। और मैं जब गिरता था, मैं सोचता था मुझे इस पाप से कोई आजाद कर दे, वैसे बोलता था। चाहे मैं तो, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मुझसे वो कोई 2 लाख ले ले, 5 लाख ले ले, मुझे इस पाप से आजाद कर दे। तो सोचो मैं कितना कीमती हुआ अगर पाप को छोड़ दिया हमने। मैं सीरियस था, अगर मैं गिर गया, मैं लिखता था इतने दिन में मैं गिर गया, फिर से फाइट शुरू। अब 10 दिन में गिर गया, अब फिर से उठना। अब मेरे रिकॉर्ड बन गया 15 दिनों का, अब 20 दिनों का, अब 30 दिनों का, अब 1.5 महीने का, अब इससे पार नहीं जा रहा। अब एक तीर लड़ाई आ रही है, बड़ी लड़ाई जिसे कहते हैं। तो एक टाइम हुआ, उसका भी अंत आया, और 1.5 साल ऐसा पवित्रता में खड़ा कि प्रभु ने मुझे वरदानों के साथ खड़ा करके सेवा में खड़ा कर दिया 2016 में। तो इसीलिए आपको भी अपनी लाइफ के लिए फाइट करनी है, लड़ना है। किससे? रिश्तेदारों से नहीं, पड़ोसी से नहीं, जिसने आपके ऊपर केस किया झूठा उससे नहीं, शैतान से। और शैतान से पहले अपने शरीर से, क्योंकि शैतान शरीर को यूज करता है। शरीर को आपने जीत लिया और आत्मिक क्रिया में जीना शुरू कर दिया, तो शैतान कभी कुछ भी नहीं कर पाएगा।